जनपद के यूपी 112 के सक्रियता को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एसएसपी दिनेश कुमार पी ने पीआरबी वाहन पर तैनात उपनिरीक्षक, मुख्य आर्ची, आर्ची एवं होमगार्ड को दूसरे पीआरबी पर हस्तांतरित किया है, जिससे कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त बना रहे। इसके संबंध में एसपी ट्रैफिक व पीआरबी के प्रभारी रामसेवक गौतम ने बताया कि पीआरबी की व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए 2018 और 19 में तैनात आर्चियों का तबादला किया गया है। उन्होंने कहा कि पीआरबी के जवान अपनी जिम्मेदारियों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करें, अगर कहीं से भी कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बेहतर कार्य करने वाले पीआरबी के जवानों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक रामसेवक गौतम ने बताया, पीआरबी के जो वर्ष 2018 और 19 से लगातार एक ही पीआरबी में एक ही थाना क्षेत्र में नियुक्त थे, उनको सक्रियता और चुस्त दुरुस्त करने के लिए जो है पीआरबी से दूसरी पीआरबी में परिवर्तित किया गया है और ये आदेश तत्काल प्रभाव से इम्प्लीमेंटेशन कराया जा रहा है, जिससे कि उनकी सक्रियता और चुस्त दुरुस्ती और कार्य में और अधिक दक्षता के साथ जो संपन्न कर सकें और सभी लोगों को जो 112 का उद्देश्य है 24 आवर्स हर जगह जो इसका मोटो है वो चरितार्थ हो सके और अच्छे तरीके से सभी नागरिकों की सेवा कर सके। सर, कुछ चेतावनी भी दी गई है कि अगर पशु तस्करी या इस तरह के कोई लिप्त हैं तो उनके लिखते हैं, क्या कड़ी चेतावनी है? कोई भी पीआरबी का चाहे कमांडर हो, चाहे सब कमांडर हो या पायलट हो, यदि किसी भी अवैध गतिविधि में संलिप्त पाया जाएगा या अन्य अनवांटेड जो है गतिविधियाँ हैं उसमें संलिप्त रहेगा तो उनके विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कुछ पीआरबी के जवानों देखा गया कि बहुत बेहतरीन काम किए हैं, कुछ लोगों को स्टेशन भी पहुँचाए हैं, कुछ ब्लड डोनेट भी किए हैं, तो उसके लिए उनके लिए क्या? उनके लिए माननीय एसएसपी साहब से जो है प्रशंसा पत्र निर्गत कराए जाएंगे और जिनका और विशेष उल्लेखनीय कार्य होगा उनको डीजी साहब के जो कमेंडेशन डिस्क है उसके लिए भी प्रस्ताव प्रेषित कराया जाएगा।